जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चेलाडंग ग्रुप पे। आज हम आपके स्पाम को एनालाइज करेंगे और आपके भविष्यफल के बारे में जानेंगे, आपके जीवन के बारे में जानेंगे, बहुत कुछ। इवन क्या है आपकी लाइफ, कैसे जानी है, किस चीज़ों से, किन चीज़ों से आपने बचना है, कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं, किस प्रकार आपकी प्रकृति है, नेचर क्या है। नेचर जो होता है ना, हमारे पूरे जीवन को तय करता है। ठीक है, आप देखेंगे कि कभी कभी लाइफ में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन हम अपने नेचर के कारण, बिकॉज सारी चीज़ें हमें उस तरीके से पसंद नहीं होती जिस तरीके से वो अवेलेबल है। यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे मॉडिफाई करके अपने पास रखना या लेना पसंद करते हैं, शाश्वत रूप में, यानी कि वो जैसा है उस रूप में उसे हम एक्सेप्ट कभी कभी नहीं कर पाते हैं। या कुछ और भी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कोई चीज़ आपने पसंद हो, मुझे पसंद नहीं हो। ठीक है, तो सबकी अपनी सोच अलग होती है और इस कारण क्या होता है कि कभी कभी हम गलतियाँ भी कर देते हैं, बिकॉज हमारा ईगो भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। ठीक है, तो क्या है आपका नेचर, इन सब चीज़ों के बारे में भी जानेंगे बहुत कुछ। चलिए कुछ शुरुआत करते हैं। शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, हमें मणिबंध की रेखाओं से। आप आई थिंक राइट हैंडेड पर्सन है। ठीक है, आपकी लेफ्ट पाम हम पहले देखेंगे, यानी कि प्रारब्ध की रेखाओं से। आपके मन में सवाल आया होगा, प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध इन द सेंस कि हम दूसरी दुनिया से जो इस दुनिया में आए हैं तो हम क्या लेकर आए हैं। ठीक है, और राइट हैंड यानी कि आपका वर्किंग हैंड, उससे कि वर्तमान में यानी कि प्रजेंट में हम किस प्रकार से आगे चल रहे हैं, हम अपने आप को किस दिशा में लेके जा रहे हैं। और वहीं पे नॉन वर्किंग हैंड से पता चलता है कि हमें किस्मत में क्या मिला है। यानी कि आज ही सुबह मैंने एक वीडियो, पब्लिक वीडियो पोस्ट करी थी, उसमें मैंने बताया था। ठीक है, क्या होता है कि बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, कुछ ऐसी वीडियो हैं जिसमें कुछ गुड लाइंस के बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये लाइन होने पे बहुत ही ज़्यादा व्यक्ति को फायदा होता है विभिन्न कारणों से। ठीक है, तो वो अपनी जगह पे एकदम बिल्कुल सत्य है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि कई बार लोग सीधे आ जाते हैं कि नहीं, मेरे पाम में वो लाइन है लेकिन मुझे ये नहीं मिला। अब ऐसा है कि मैं तो दूसरी वीडियो भी पोस्ट करता हूँ कि अगर ये लाइन हुई तो इससे व्यक्ति के जीवन में बहुत तकलीफ होती है, तो फिर उसमें भी बोलते हैं कि ये लाइन है, तकलीफ है। अब दोनों चीज़ें कैसे होंगी? तो पूरी पाम जब एनालाइज होती हैं तो चीज़ें क्लियर होती हैं। ठीक है, तो मैंने उसमें बताया था उन्हें कि मान लो कि आपके पास 1 लीटर की बॉटल है। ठीक है, कैपेसिटी उसकी 1 लीटर की है, तो आप उसमें 5 लीटर कुछ भी नहीं रख सकते बिकॉज उसकी कैपेसिटी ही नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं बता रहा हूँ कि आप धनवान बनेंगे, आपके पास पैसे होंगे, आप रिच पर्सन होंगे, तो आपको इससे क्या मतलब समझना है कि आपकी जितनी कैपेसिटी है वो आपको मिलेगी, आप उतना प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो सबकी सब जितना जो डिजर्व करते हैं, सबकी अपनी कैपेसिटी होती है, उस अनुसार चीज़ें उन तक पहुँचती है। हमारी जो कैपेसिटी है उतना हमें मिली है, यानी कि हम सुखी हैं। ठीक है, हम रिच हैं। तो इस तरीके से हम चीज़ों को समझते हैं। अब आपके पाम में जब हम देखेंगे तो सबसे पहले लेफ्ट पाम को देखेंगे, यहाँ से हम समझेंगे इन चीज़ों को कि आखिर ये किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित कर रही है, आप क्या लेकर आई हैं और वर्तमान में आपको क्या मिल रहा है। मणिबंध की रेखाएं क्या बताती है? ये एक तरीके से पूरे जीवन की सूचना होती है। ठीक है, इसमें आपकी जीवन शक्ति, धन, इसके अलावा सुख, इसके अलावा यश, इन सारी चीज़ों की जानकारी आप यहाँ से एक मोटे तौर पे ले सकते हैं। तो सबसे पहले जीवन शक्ति की बात करेंगे, यानी कि लाइफ, ओवरऑल पूरी लाइफ किस प्रकार से जाने वाली है। एक अच्छी स्थिति में, जो कि आपके लिए फायदेमंद है, और पूर्ण रूप से चल के आ रही है, यानी कि
जीवन में एक जुड़ाव की स्थिति हमेशा बनी रहेगी। कितनी भी कठिनाई आए, कुछ भी आए, जीवन चलता रहेगा, रुकेगा नहीं कभी, ठीक है। और थोड़ी विलंब से आए, थोड़ा पहले आए, लेकिन सारी चीजें आप तक पहुंचेंगी। जीवन में बहुत बार ऐसा भी आएगा जब आप अवसाद के बड़े स्तर से गुजरेंगे, अवसाद यानी कि स्ट्रेस, डिप्रेशन। लेकिन एक ऐसा समय भी आएगा जो कि आपको अनगिनत खुशियाँ देगा, और आप हमेशा उस समय यही सोचेंगे कि ये कहीं चला न जाए, ये बरकरार रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन ओवरऑल लाइफ सही दिशा में जाएगी। धन की स्थिति आपके जीवन में बहुत ही अच्छी बन रही है, हमेशा बनी रहेगी। आप में काबिलियत है, आप में हुनर है, आप में टैलेंट है, और उस अनुसार आप अपने आप को आगे की तरफ लेके जाएंगे। जीवन में सुख की स्थिति भी आपके लिए अच्छी ही बनी रहेगी, ठीक है। अब चलिए ऊपर की रेखाओं से, पर्वतों से पहले जानते हैं चीज़ों को। बिल्कुल ये एनालिसिस देख के घबराइए मत, अभी पूरी एनालिसिस बाकी है, ठीक है। हमारी जो एनालिसिस होती है उसमें बहुत सारी चीज़ों का समावेश होता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, कभी कभी लोग घबरा जाते हैं कि टू द पॉइंट सीधे मेरी चीज़ों पे नहीं आ रहे हैं। क्या होता है कि सीधे चीज़ें आपके आप समझ जाओगे, लेकिन उसके बाद आप 100 क्वेश्चन करोगे, 100 क्वेश्चन करोगे कि ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे। लेकिन अगर मेरी वीडियो एक बार आपने देख लिया, अच्छे से आपके अगर समझ में आ गई, दो बार देखो, तीन बार देखो, तो फिर कभी लाइफ में किसी से कोई सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं रहती है, ठीक है। सारी चीज़ें बताता हूँ, लेकिन एस्ट्रोलॉजी की कुछ लिमिट्स हैं, उसके अनुसार चीज़ें टेक्निकली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बताता हूँ, वो खुद से आपने समझनी पड़ती है, फिल्टर करनी पड़ती है। बात करेंगे आपके गुरु के पर्वत की। गुरु आपके जीवन में इनका बहुत बड़ा रोल है, क्यों? क्योंकि आपका जन्म 1980 में जुलाई के महीने में जो हुआ है, ठीक है, इन्हीं की दशा में हुआ है, इनके पीरियड में हुआ है आपका जन्म, गुरु के पीरियड में। इसलिए आपका जीवन तो अलग होगा ही, बहुत अलग। उसमें भी आपकी राशि तुला है, क्या बताएं, दोनों बहुत ही महंगी चीजों, यानी कि गुरु, जो कि गुरु हैं, बस यही समझ लो, सबसे हैवी, सबसे बड़ा अगर कुछ है तो गुरु यहाँ पे। और उनके साथ आपकी राशि हो गई कौन सी, तुला। तुला जो किसी की नहीं सुनता, जो सिर्फ अपनी सुनता है, बिकॉज उसे कॉन्फिडेंस होता है, वो परफेक्ट होता है, परफेक्शन उसमें होती है। वो जो सोचता है वो करके छोड़ता है, किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारता है, अपने ईगो से कभी कंप्रोमाइज नहीं करता है। कितनी भी मुश्किल आ जाए वो पेशेंस के साथ डटा रहेगा, खड़ा रहेगा, चाहे कितना भी तूफान आ जाए। और लाइफ में कभी अपने सर नीचा करके नहीं जिएगा, हमेशा सर उठा के जिएगा। गुरु की एक बेहतरीन दशा में, विशाखा नक्षत्र के द्वितीय चरण में आपका जन्म हुआ है। गुरु का प्रभाव बचपन से आप पे रहा है, और गुरु के पर्वत की स्थिति भी यहाँ पे पूर्ण रूप से उसी प्रकार बयां कर रही है। आपका जन्म आपकी फैमिली के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ही शुभ था, बिकॉज जब आपका जन्म हुआ उस समय चीज़ें आपके पक्ष में थी, आपके फेवर में थी, सबके लिए बहुत कुछ अच्छा, बहुत ही बेहतर होता चला गया। आपके जन्म के 9वें वर्ष तक चीज़ें बहुत ही बेहतर, बहुत ही ज़्यादा उपलब्धि, बहुत ही ज़्यादा तरक्की, सक्सेस, सब कुछ आपके आसपास फैलती चली गई। आपके चेहरे से मुस्कुराहट कभी गई नहीं, चीज़ें बदलनी शुरू हुई,
कब शुरू हुई? शुरू तो हो गई थी, ठीक है, 90 के दशक में, यानी कि जैसे ही 1990 का पीरियड आया, चीज़ें उसके बाद थोड़ी सी अलग होनी शुरू हो गई थी, बहुत ही साइलेंटली, ठीक है। महसूस आपने करी होगी कब? महसूस आपने उसे करा होगा 1998-99 से, ठीक है। उसके बाद चीज़ें आपने महसूस हो गई होगी कि किस प्रकार कन्वर्ट होती है। कुछ अलग चीज़ें हैं, बिकॉज गुरु के इस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, तुला राशि के अंतर्गत विशाखा नक्षत्र के द्वितीय चरण में। आपका एक क्वेश्चन था अबाउट मैरिज, मैरिज लाइफ वगैरह जैसी चीज़ें। बहुत ही कम उम्र आपकी रही होगी जब आपने इसके बारे में सोचा होगा, जब आपको कोई पसंद आया होगा, जब आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हुए होंगे, ठीक है। चीज़ें बदलती हैं, आपका आपके आज जीवन भी ना एक तरीके से एक पहेली की तरह है, ठीक है। इसने बार बार यू टर्न मारा है। कुछ देर पहले जो मैंने बोला था ना, ये लोग कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। एक पीरियड होता है जिस समय कुछ भी करने को तैयार होते हैं, किसी भी तरीके से चाहते हैं कि कुछ मिल जाए, लेकिन वो उन्हें नहीं मिल पाता, और उसका नतीजा होता है कि ये थोड़े रूढ़ होते हैं, और दुनिया की नज़रों में खुद से वही रहते हैं, दिखाते नहीं हैं किसी को अपनी फीलिंग्स। अगर कोई समझने वाला हो तो बेहतर समझ सकता है कि वो आज भी उतना ही सॉफ्ट है, लेकिन दुनिया को दिखता है अलग, ठीक है। आप जितना डिजर्व करते हो, आप जहाँ तक जा सकते थे कैरियर में अपने, आप कुछ खास लोगों के कारण कंप्रोमाइज़ करते हैं और थोड़ा पीछे ही रह जाते हैं। जीवन में कुछ विशेष सुख की इच्छा के कारण, कामना के कारण, लेकिन वो भी नहीं मिलता और यहाँ भी चीज़ें नहीं मिल पाती, ऐसा जीवन में होता है। ये सारी चीज़ें आपके साथ जुड़ी हुई हैं। कंट्रोवर्सी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा, इवन कि मैरिज लाइफ की अगर बात करें तो फुल ऑफ कंट्रोवर्सी से भरी हुई है। जैसे ही आपकी एज 17 से ऊपर की तरफ हुई, चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी। उस समय आप पे शनि की दशा प्रभावित थी, जो कि शनि की दशा आपके साथ 2011 तक स्टार्टिंग में वो आपके साथ जुड़ के रही है, ठीक है। और ये पीरियड एक ऐसा था जिसमें चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल, ठीक है। पाने के लिए सब कुछ आप पाएंगे, सब कुछ आता है आपके पास, लेकिन बहुत मेहनत से, बहुत तकलीफ़ से कुछ ऐसी चीज़ निकल जाती है हाथ से, छूट जाती है हाथ से, जिसकी कसक जीवन भर रहती है। ये इस शनि की दशा में आपने प्राप्त किया, आपने भोगा, आपको जीवन में ये सब चीज़ें आपसे जुड़ी। आफ्टर डैट, उसके बाद चीज़ें बदलनी शुरू हुई, और जो शुरू हुई कब? जब मरकरी का पीरियड आपके साथ जुड़ा, ठीक है। और वो मरकरी का पीरियड जो कि फिलहाल आपके साथ 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 आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये आपके लिए चैलेंजिंग है, लेकिन जो पास्ट था ना उससे बेहतर है, बिकॉज ये आपको बहुत कुछ देने जा रहा है। अभी देगा, अच्छी मात्रा में देगा, क्योंकि अभी लॉन्ग टाइम तक ये आपके साथ जुड़ा रहने वाला है। लेकिन उसके बाद एक दशा आने वाली है, और वो दशा बहुत अलग है, बहुत अजीब है। वो आपको बिल्कुल आपसे जुदा करने वाली है। आपको मैं बता नहीं सकता वो किस तरीके का बनाने वाली है। आप भी सोच के आपको हंसी आएगी, नहीं मैं ऐसा नहीं, मैं ऐसी नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा कुछ है। तिल का निशान इस क्षेत्र में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये बेवजह इल्ज़ाम का कारण बनता है। आपकी गलती ना हो फिर भी आपको गलती और जिम्मेदार ठहरा के रिश्ते तोड़े जाते हैं, रिश्ते अलग करे जाते हैं, कारण आप बनती हैं। बहुत कुछ होता है जीवन में जिसके लिए बिना गलती के खामियाजा भोगने की स्थिति आ जाती है। कुछ है जो कि आपको स्ट्रांग बनाता है, वो आपकी इंटरनल पावर है,
जिसने आपको अब तक बचा के रखा है, नहीं तो तोड़ने वाले ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी आपको डिस्ट्रॉय करने की। शनि की स्थिति कैसी है? आर्थिक स्थिति एक समय था, एक पीरियड होती है जिस समय आपके लिए बेहतर होती है। शनि की दशा जब मिडिल में होती है तो आपके लिए फिनेंशियली बेहतर होती है। जैसे हम उसकी फेज जब स्टार्टिंग और जब लास्ट में होती है ना, तो चीज़ें एकदम मुश्किल कर देती है। ठीक है, तो इसमें कई सारी शाखाएं और परिस्थितियां निकलने के कारण इसने कई तरीके से आपकी राह में रोड़े और अड़चन पैदा करे हैं। और इसके कारण आपके जीवन में बहुत कुछ की, इवन की हेल्थ से लेके मेंटली, ठीक है, फिजिकली, हर एक तरीके से इसने एब्यूज किया है, इसने परेशान करा है। इनका प्रभाव ही कुछ ऐसा आपके जीवन के साथ जुड़ा हुआ था। बात करेंगे सन की। सन की क्या पोजीशन है, सन किस प्रकार से कार्य कर रहा है। सन आपके लिए अच्छा है, लेकिन ये पूरी तरीके से वर्किंग में नहीं है अभी। ठीक है, पूरी तरीके से वर्किंग में ना होने का क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कई तरीकों, कई सेक्टर में आपको इन्वॉल्व करेंगे, अलग अलग क्षेत्रों में, आजीविका के साधन के लिए, यानी कि पैसे कमाने के लिए, यानी कि जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, वगैरह वगैरह जैसी चीज़ों के लिए भटकाएंगे। बिजनेस कर लो, जॉब कर लो, चलो उस कंपनी, चलो उसमें, उस सेक्टर में जाते हैं, उसमें जाते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से आप क्रिएटिव हैं, क्रिएटिविटी आप में है, क्रिएटिव जॉब बिजनेस करके आप ढेरों इनकम कर सकते हैं, बहुत बढ़िया आप कर सकते हैं। लेकिन कहीं एक जगह बैठ के बहुत ज़्यादा दिन तक रहना आपके लिए हमेशा मुश्किल होगा, ना बहुत ज़्यादा फील्ड वर्क, ना बहुत ज़्यादा ऑफिस वर्क। खासकर आप सुकून चाहते हैं जीवन में, आप लगातार काम नहीं कर सकते, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। हेल्थ भी सपोर्ट नहीं करेगी। पैसों का ऐसा है कि सूर्यदेव की कृपा से इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे। ठीक है, बीच बीच में कभी कभी पता ही नहीं चलेगा कि बैठे हैं या काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी परिस्थितियां ये आपके साथ बना के रखेगा। कब तक? अभी सुधर जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी परिस्थितियां आपके लिए अच्छी आ रही है, और आगे तो खैर केतु की दशा है, तो उसमें तो मैं क्या बताऊँ, आपके फेवर में ही है। इवन की लाइफ में जो खुशियाँ आपने अब तक, बहुत कुछ ऐसा सुकून और खुशियाँ थी ना, वास्तविक रियल हैप्पीनेस, रियल कैसे होते हैं सुखी लोग, वो आप देखेंगे। ठीक है, वो आपको मिलेगा। मन को भटकाए नहीं, क्रिएटिविटी वर्क में आप लगे, उसमें आपके लिए अच्छा है। ठीक है, किसी भी प्रकार के जो भी कुछ कार्य ऐसे होते हैं, ठीक है, नॉट फॉर टेक्नोलॉजी, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हम कुछ क्रिएटिव वाला जो भी काम होता है, ठीक है, पेंटिंग करें, कुछ डिजाइनिंग करें, कुछ वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों में आपके लिए ढेरों मौके हैं। ये सब चीज़ें आपको अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। मंगल की स्थिति आपके लिए बेहतर है, ये इंटरनली आपको स्ट्रांग बना के रखता है, और एक बेहतर स्थिति में आपको हमेशा साहस की स्थिति आपको प्रदान करता है, यानी कि शक्ति आपको प्रदान करता है। दूसरे मंगल की स्थिति में थोड़ी सी रुकावट है, इसलिए कलह की स्थिति रहेगी। अपनों के बीच जिससे प्रेम करते हैं उसके साथ ही परेशानी की समस्या आएगी। वैवाहिक संबंधों की मैं पहले बात कर लेता हूँ। वैवाहिक संबंध जो भी आपके हैं वो हमेशा कंट्रोवर्सी भरे रहेंगे। ठीक है, एक तो मैं इसे विवाह के रिश्ते का नाम नहीं दे सकता हूँ कई बार, बिकॉज बहुत कुछ ऐसा है जो कि उस तरीके का इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो क्या होगा कि जब भी आप, मैं सीधे बस यही समझ लो कि धोखे कुछ इस तरीके से आपके साथ जुड़े एक खास एज तक। ठीक है, अभी आपकी एज 38 ईयर्स हो रही है। ठीक है, ये चीज़ें आपके साथ थोड़े और दिनों जुड़े रहेगी। ठीक है, जिसमें बार बार आपसे गलतियां होंगी। ठीक है, सही चीज़ों को समझ पाने की क्षमता आप नहीं विकसित कर पाएंगे, ये आपके साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, क्या होता है इसमें कि
कि मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूँ आपको कि हम हमेशा वो चाहते हैं जो हम पसंद करते हैं। और हमारे साथ होता ये है कि हम उसमें बार बार धोखा खाते हैं। हमें जो पसंद करता है हम उसकी तरफ कभी रुख नहीं करते, और वहीं पे हमारी स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, वहीं पे हम अपना सुकून खो देते हैं। बहुत अच्छे मौके आते हैं लाइफ में, हम उन्हें डिनाई कर देते हैं, मना कर देते हैं, और बाद में उसके मुकाबले बहुत छोटी चीज़ों के साथ हम बेहतर जीवन की कल्पना करते हैं वास्तविकता में, और मैं फिर कुछ नहीं मिल पाता। ठीक है, ये सब कुछ आपके जीवन पे से संबंधित था जो कि मैंने अभी बोला। ठीक है, तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा गौर करें, सुकून में आए। मैंने आपको सुबह भी बोला था इसीलिए, बिकॉज अपने जब आपकी जब मैंने अपने जब ये पाम भेजा था, मैंने उसे देखा था, मुझे लगा था कि नहीं, इसमें आवश्यकता है डिटेल एनालिसिस की, बिकॉज इसमें जब तक तो हॉरोस्कोप की एनालिसिस नहीं होगी तब तक चीज़ें इतनी ज़्यादा महीन है ना, इतनी ज़्यादा क्लोज है कि इन चीज़ों को क्लियरिफाई करने में काफ़ी समय लगेगा। इवन कि ऑलमोस्ट 15 to 20 days लगेंगे अगर पर डे 1 से 2 घंटे की स्टडी करी जाए, एक एक चीज़ों को जोड़ के हॉरोस्कोप से निकाला जाए तो, कि कैसे किन चीज़ों को सही किया जा सकता है। सबसे पहले एक बात बता दूं कि आप घर में कभी भी ना पूजा मत किया करना। ठीक है, आप आई थिंक कि शायद पंजाबी होंगी आप, कौर है बिकॉज आपने लगा हुआ, तो आप तो जाती होंगी, गुरुद्वारे जाते होंगी। ठीक है, तो घर में अरदास किया करें आप खुद से, लेकिन किसी भी प्रकार की मूर्ति वगैरह जैसी चीज़ें ना रखें। ठीक है, और बाहर ही रखें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। शुक्र, शुक्र की स्थिति कैसी है? शुक्र की स्थिति अच्छी है, आधुनिक सुविधाएं आपको देने में मदद करेगी। जो भी जीवन की बाहरी सुख सुविधाएं हैं वो ऑलमोस्ट आपको मुहैया करा देगी। ठीक है, बिजनेस में खुद का अपना कारोबार करने की सोचना, खुद से उसकी तरफ जाना, ये बार बार आपको धोखा देगा, बार बार आपको घाटे की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कोशिश ना करने में बेहतर है। अभी अभी वैसी एज नहीं है, वो समय आएगा तो चीज़ें आपके साथ जुड़ेंगी। ठीक है, उससे पहले चीज़ें डिफिकल्ट है थोड़ी सी। जीवन जीवन रेखा देखिए आप, आपकी बहुत गहरी होके चल रही है, इनका गहरा होके चलना काफ़ी हद तक जीवन के मुश्किलों को दर्शाता है कि जीवन आसान नहीं है। वैसे भी जीवन आसानी के लिए मिलता भी नहीं है। ठीक है, जीवन हमेशा मुश्किल ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा जिसे हम कंट्रोल कर सके ये तो है। ठीक है, तो बहुत ही बेहतर है। वाटर रिलेटेड आप कोई काम बिजनेस कभी भी करना है ना, वाटर पानी से संबंधित या पानी की चीज़ों यानी कि समंदर की चीज़ों, जैसे स्टोन ले लो, उससे निकलने वाली अन्य चीज़ें ले लो, रियल वाटर का काम कर लो, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का काम कर लो वगैरह वगैरह, इन पानी से जुड़े कार्य आप जब भी करेंगे उसमें आपको बेहद फायदा होगा। ठीक है, बात करेंगे आपके वर्तमान की, यहाँ की परिस्थितियों को किस प्रकार से है। वर्तमान में आपने जितना मिला था ना, आपने अपने आप को काफ़ी हद तक उससे बेहतर करा है, आपकी ये पाम बता रही है। ठीक है, ऑलमोस्ट मैं बहुत सारे ऐसे लोगों की देखता हूँ तो 100 में 5 ऐसे लोग जरूर होते हैं जो कि अपनी मेहनत के बल पे वो अपनी किस्मत को भी हरा चुके होते हैं, और जितना उन्हें मिला होता है उससे ज़्यादा वो छीन के वो प्राप्त कर रहे होते हैं, जैसे आपके साथ हैं। जितनी कंट्रोवर्सी भरी हुई है आपकी किस्मत में, आपने काफ़ी हद तक उनसे अपने आप को आपने बचा के रखा है, चीज़ें आपकी तरफ बच के रहेंगी। ठीक है, आपकी तरफ आ रही हैं। उसमें क्या था कि आपके गुरु के इस क्षेत्र में, इसमें द्वितीय क्षेत्र में इनका यहाँ पे इनकी स्थिति बनी हुई है।
विभिन्न प्रकार से वैवाहिक संबंधों में, एक तो विलंब संबंध, ठीक है, यानी कि लेट रिलेशनशिप, रियल रिलेशनशिप, उसके बाद कंट्रोवर्सी जैसी चीज़ें ये आपके साथ उसमें जोड़ रही है, ठीक है। लेकिन गुरु, बिकॉज आपका इनकी राशि में, इनकी स्थिति में आपका जन्म हुआ है, तो ये आपके लिए हमेशा ही फादर का काम करेंगे। और जब गुरु जुपिटर एज ए फादर के रोल में हो, तो उस व्यक्ति को जीवन में मुश्किलें कितनी भी आ जाए, ठीक है, उनकी चौधराहट कभी खत्म नहीं होती, यानी कि उनका जो रुतबा होता है ना, वो कभी खत्म नहीं होता, आपकी भी नहीं होगी। फिर से आपका टाइम आएगा, ऑलरेडी आप उस टाइम में भी जी रही हैं, जो कि आपको उसकी तरफ लेके जाएगा। कुछ रेमेडीज वगैरह हैं जिनका यूज करना आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। शनि के क्षेत्र पे दबाव है, शनि का क्षेत्र यहाँ पे बिल्कुल दबाव में है। आपकी आर्थिक यानी कि जो फिनेंशियल कंडीशन होती है, उसके लिए ये जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, और इन पे दबाव कार्य कर रहा है। दबाव कहाँ से कार्य कर रहा है? गुरु की तरफ से कर रहा है, ठीक है। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि गुरु इस पे दबाव इन पे बना रहा है, ठीक है। अभी कुछ दिनों तक, पहले तक आप पे शनि की दशा थी, और उसका प्रभाव था कि गुरु अपने क्षेत्र से ज़्यादा शनि के क्षेत्र की तरफ इनका झुकाव बढ़ा, चीज़ों को कम करने के लिए, मुश्किलों को दूर करने के लिए। बिकॉज जो भी हमारी अपनी ग्रह होती है ना, जिसके अधीन हम जन्म लेते हैं, जो हमारा मुख्य ग्रह होता है, ठीक है ना, जैसे कि हम दुनिया में जन्म हमने लिया है, तो जो भी सीनियर है, सब जो भी बड़े हैं हमसे, वो सब माता पिता की तरह है, लेकिन माता पिता एक ही होते हैं, ठीक है। वैसे ही ये प्रधान ग्रह है, ये मुख्य तौर पे ये आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो ये हमेशा आपके लिए कुछ अच्छा और बेहतर करने की स्थिति में होते हैं। तो यहाँ दबाव का कर रहा है इस तरफ कार्य। इस तरफ करने के क्या है, इससे कुछ फायदा हुआ नहीं, नुकसान ज़्यादा हुआ, बिकॉज कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इन्होंने काफ़ी डिले कर दिया, ठीक है, और ये परेशानी का कारण बन रहे हैं। तो इसके लिए रेमेडी है, ताकि चीज़ें वापस अपनी जगह पे जा सकें, आपके लिए सही हो सके, ठीक है। सूर्य यहाँ पे अच्छा है अभी, ये आपके लिए आने वाले समय में कुछ, बस बहुत ही हल्की फुल्की है, ठीक है, बस समझ लो कि बनी बनाई है, ठीक है, सारा खाना बना हुआ है, बस नमक डालो, सब में टेस्ट आ जाएगा, बिल्कुल बस नमक की ही एक कमी है, ठीक है, बाकी सब कुछ बढ़िया है। मैं बताऊंगा वो तरीके जिसके द्वारा आप इसे एक्टिव कर सकती हैं इन्हें, ठीक है। बुध की स्थिति फिर से यहाँ पे बहुत ही अच्छी है, स्मूथ आपके वर्क को कर रही है, आपके लिए परिस्थितियों को कर रही है, ठीक है। मस्तिष्क रेखा थोड़ी सी विकार में है, ठीक है, स्ट्रेस बिल्कुल ना ले, क्योंकि स्ट्रेस जब से ही आप लेंगी, आपकी क्रिएटिविटी को कम करेगी, आप में जो क्षमता है, आप में जो काबिलियत है, उसे कम करेगी, और आपको मुश्किल में डालेगी, ठीक है। तो इससे आपके लिए बचना अत्यावश्यक है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, कहीं भी कुछ भी मत बोले, क्योंकि जवान आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल में है, इम्पोर्टेंट रोल है उसका, ठीक है, जीवन को अच्छा और बुरा करने में, इसलिए उस पर अत्यधिक सावधानी बरतें, नहीं तो उसका खामियाजा आपको जीवन में कई बार मिला है, आगे भी मिलने की संभावना बनती रहेगी, ठीक है। माता की करीबी हैं आप कहेंगी बहुत सारे लोग होते हैं, नहीं, आप थोड़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। प्यार करना आप जानती हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, लेकिन लोग उसे फील नहीं कर पाते। किसी भी प्रकार के भविष्य में कई सारे ऐसे मौके आएंगे, ठीक है, लेकिन ओकेजनली भी कभी भी किसी भी तरीके से ड्रिंक वगैरह आप मत किया करें, ठीक है, वो आपके लिए अच्छा नहीं है, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, वो आपके जीवन में बहुत ही बुरी स्थिति को पैदा करेगा। धन की स्थिति अच्छी है, आने वाले समय बहुत ही अच्छी है, ठीक है, पहले भी अच्छी थी, काफ़ी अच्छा करेगी, ठीक है। चंद्र की अंतर्दशा आपके जीवन में अभी चल रही है, ठीक है, ये बहुत परेशानी का आपके लिए कारण बनती जा रही है, इस पर कार्य करना चाहिए, इसकी रेमेडी करके आपको इस पर
इसके लिए कुछ उपाय करना चाहिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन में जो चीज़ें हैं और जो यहाँ पे मुश्किलें हैं उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि कभी कभी ज़्यादा सतर्कता यानी कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन हमें तथ्यों से दूर कर देती है, हमें सत्यों से सत्य से दूर कर देती है। ठीक है, तो आपको अपने लिए ना एक पैरामीटर बैठाना चाहिए और उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। ठीक है, वैवाहिक संबंधों में, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए वैसे भी बहुत नाजुक हैं। ठीक है, इसलिए इसमें काफ़ी बेहतर तरीके से कार्य करके आपको चलना पड़ेगा, सोच समझ के आपको आगे कदम उठाना पड़ेगा। इसके लिए आप अगर कहेंगे तो, हालांकि आप तो आउट ऑफ कंट्री हैं इंडिया से, नहीं तो इसके लिए इन संबंधों के लिए विशेषकर मैं एक मंत्र देता हूँ और एक हाथ में बांधने के लिए एक यंत्र है जो कि दिया जाता है, जो कि आपको इन मुश्किलों से दूर करता है। ठीक है, अगर ज़रूरत होगी तो मैं सोचूंगा तो आपको भी दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए, ये था आपका पूर्ण भविष्यफल, जो कि आगे आपके लिए थोड़ा सा समय है अभी, लेकिन आपको आपके जीवन में जो आप डिजर्व करती है उतना आपको दे के जाएगी, बेहतर परिस्थिति तक आपको लेके जाएगी। ठीक है, तो उससे पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है, कंस्ट्रक्शन वाले काम में भी आपके लिए प्रॉफिट की स्थिति यहाँ पे बन रही है। ठीक है, तो सारे कार्य आप उस क्षेत्र की तरफ बढ़ें, आप अपने कार्य में लगे रहें। ठीक है, और कुछ खास कार्य आपने करने हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कि क्या क्या कौन सी पूजा आपने करनी है। ठीक है, और वो पूजा आपने कहाँ करनी है, बिकॉज आपने घर में नहीं करनी है। ठीक है, और घर में किसी भगवान की आप फोटो अगर रखते हैं तो वो भी ना रखें, तो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, चलिए, आपके एक खास सवाल मैं देख लेता हूँ, शायद और भी कुछ सवाल रहा हो आपका, तो उसके बाद फिर हम क्लोज करेंगे इस वीडियो को। आपका सवाल था, आई हैव मैरिज इशू एंड फिनेंशियल इशू इन माई लाइफ, बस दो चीज़ें हैं। फिनेंशियली का तो एक है सबसे डीप, सबसे बेहतर समय है, जिस जो आपको ऊंचाई की तरफ लेके जाने वाला है, लेके जा रहा है। ठीक है, और इसके बाद का एक समय आएगा जो कि आपको सुकून देगा जीवन में। मैरिज के लिए आपकी किस्मत ही कुछ ऐसी है कि चीज़ें इसमें थोड़ी सी आपके साथ जुदा होंगी और उससे अलग होंगी। ठीक है, इसमें बस यही है कि कुछ मंत्र ऐसे मैं दूंगा, कुछ ऐसे रेमेडी हैं जो कि आपको खुद से करनी पड़ेगी, बहुत ही पूरा बिलीव करके नियम से करनी पड़ेगी, तो ये चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। इसके अलावा उसका कोई उपाय नहीं है। ठीक है, चलिए, संतान योग भी आपके हैं, हालांकि बस एक हैं, एक पुत्र का योग आपके जीवन में है, एज पर योर पाम। ठीक है, फ्रैंक भी आप काफी हैं, बहुत ही ज्यादा। चलिए, जो भी अब आपके सवाल होंगे ना, आप कॉल भी कर सकती हैं और टाइप करके आप भेज देना, जैसे आपको सुविधा हो हम जवाब देंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।